बिलीव करता हूँ कि इस वीडियो में मैं पूरा सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, ठीक है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक, एंड दिस इज मी मंदी। फिर आज के इस वीडियो में बात करते हैं एक बेस्ट वेबसाइट के बारे में जो सारे कोडर्स को पता होना चाहिए। अगर तुम एक कोडर हो और तुम्हें पता नहीं है, आई डोंट थिंक कि तुम्हें पता भी होगा, बट तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं वेबसाइट के बारे में कि वेबसाइट जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो बेसिकली है क्या, ठीक है। तो यार सबसे पहली बात कि जो वेबसाइट है उसका नाम है कोडडैम, ठीक है, कोडडैम, राइट, CODE, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे, एंड DAMN, राइट, कोडडैम। एंड उसके बाद बता देता हूँ यार कि इस वेबसाइट में तुम्हें बेस्ट चीज़ें क्या मिलती है। पहला चीज़ है यार कि तुम्हें यहाँ पे लेटेस्ट चैट GPT मिलता है, जो कि तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं अगर तुम प्रॉब्लम में फंसते हो तो, ठीक है। एंड जो सेकंड चीज़ है यार, तुम्हें यहाँ पे सब कुछ मिलता है, फिर तुम चाहे JavaScript सीख रहे हो, HTML सीख रहे हो, CSS सीख रहे हो, या C++ सीख रहे हो, या फिर Go सीख रहे हो, या फिर Rust सीख रहे हो, यू विल गेट एवरीथिंग इन दिस वेबसाइट, सेकंड चीज़, ठीक है। थर्ड चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो जो इनका फाउंडर है ना, मेहुल मोहन या कोडडैम, तुम उनका भी वीडियो देख सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बताता हूँ कहाँ पे, चैनल YouTube पे जाना, वहाँ पे सर्च करना इंग्लिश, अगर तुम्हें इंग्लिश समझ में आती है बहुत अच्छे से, देन प्लीज़ गो ऑन YouTube एंड सर्च मेहुल मोहन, ठीक है। ये उनका हिंदी चैनल है, बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इंग्लिश चैनल, देन सिंपली सर्च कोडडैम ऑन YouTube, राइट, कोडडैम, यू विल गेट इंग्लिश चैनल ऑफ दिस पर्सन और द फाउंडर, ओके। एंड इसके बाद हम बात करते हैं कि जो वेबसाइट है ना, तुम्हें और क्या बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करती है। देखो मैंने फर्स्ट में बात करता था ChatGPT के बारे में, अब उसमें भी एक खास बात है, ChatGPT तुम्हें मिलेगा, तुम चाहो तो यार ऑनलाइन क्रोम में सर्च करते हो ChatGPT, तुम्हें मिल जाता है वहाँ पर ChatGPT, ठीक है। लेकिन वो इससे कैसा अलग है या फिर कैसे अलग है, ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। बेसिकली जो इनका ChatGPT है और जो आप बेसिकली 3.5 वर्जन जो यूज़ करते हो, ठीक है, ब्राउजर में जो कि फ्री होता है, उसमें क्या डिफरेंस है बेसिकली। तो जो इनका ChatGPT है ये ना खुद से ट्रेंड किए हुए, पता है किस कॉन्टेक्स्ट में, तुम्हें पता है जब तुम यहाँ पे सीख रहे हो ना लैंग्वेज, सपोज मैं JavaScript सीख रहा हूँ इस वेबसाइट पे, तो मुझे जब JavaScript से कुछ क्वेश्चन आएगी ना, सपोज व्हाट इज़ होस्टिंग, राइट, और व्हाट इज़ हायर ऑर्डर फंक्शन, तो तुम्हें कॉन्टेक्स्ट बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। कॉन्टेक्स्ट मतलब एक तुम्हें उन्हें पर्सपेक्टिव में देना पड़ेगा कि यार तुम्हें इस तरीके से जवाब देना है, वो इतना हाई लेवल पे ट्रेन करें ना उन्होंने कि तुम्हें आंसर वो बता देगा जिस कॉन्टेक्स्ट में तुम चाह रहे हो, ठीक है। एंड लेकिन जो नॉर्मल ChatGPT होता है जो कि 3.5 है, जो कि फ्री वर्जन का है, ठीक है, वो भी आपको आंसर देगा, लेकिन आपको पहले कॉन्टेक्स्ट समझाना पड़ेगा कि आप उसे कॉन्टेक्स्ट मतलब आप पूछ क्या रहे हो बेसिकली, ठीक है। मैं तुम्हें कॉन्टेक्स्ट समझा रहा हूँ एक एग्जाम्पल से, प्लीज़ ध्यान से सुनना, सामने आओ थोड़ा। बेसिकली क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट का मतलब काफ़ी कुछ ऐसा है कि मान लो मैंने पूछा ChatGPT से What is thermodynamic, right? मान लो, ठीक है, just imagine that. मान लो ऐसा मैंने पूछा, उसे context का idea लगेगा कि भाई ये thermodynamics तो बतानी है मुझे, ठीक है। या फिर इससे best example दूँ, थोड़ा wait करो। मान लो मुझे पूछनी है what is object, object क्या है, एक वस्तु है ना, लेकिन JavaScript या फिर किसी programming के अंदर भी object होता है, तो क्या तुम जो नॉर्मल ChatGPT से सवाल पूछोगे तो क्या तुम्हें वो कैसा आंसर देगा? ऑब्जेक्ट क्या बोलेगा? बेसिकली द थिंग्स दैट यू कैन टच, राइट, द थिंग्स दैट यू कैन सी अराउंड यू, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, राइट, और समथिंग लाइक कि वो स्पेस घेरता है, ऐसा कुछ वो साइंस के टर्मिनोलॉजी में समझाएगा ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। लेकिन जो कोडडैम का ChatGPT है ना, उससे पता है कि तुम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो। जैसे तुम उससे पूछोगे व्हाट इज ऑब्जेक्ट, वो बता देगा JavaScript में है, बता देगा ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट, ठीक है, की एंड, ठीक है, की पेयर एंड वैल्यू का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो उसे कॉन्टेक्स्ट पता है एंड नॉर्मल ChatGPT को कॉन्टेक्स्ट बताना पड़ता है, आंसर तो दोनों सेम देगा। हो सकता है ये प्रोडक्टिव थोड़ा ज़्यादा दे दे लेकिन ये कम दे, लेकिन आंसर काफ़ी कुछ सेम मिलेगा, ठीक है, अगर तुम एक अच्छे से प्रॉम्प्ट टाइप करोगे तो। पहला चीज़ तो ये जो चीज़ें थी ना, आई थिंक इस वेबसाइट का सबसे मुझे बेस्ट लगा, ठीक है, एक नॉर्मल स्टूडेंट भी इसे आराम से यूज़ कर सकता है।